मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच की बात है, जब पूरी दुनिया में ये रिकॉर्डिंग चल रहा था कि किस देश से क्या आया है, किस देश ने दुनिया को क्या दिया है। इसके लिए सारा कलेक्शन हो रहा था, लाइब्रेरी बन रहे थे। उस समय हम चूंकि अंग्रेजों के गुलाम थे, इसलिए कोशिश नहीं कर पाए और वहाँ तक पहुँच नहीं पाए। लेकिन अब हम सभी को यह पता होना चाहिए कि हमारे देश से हमें क्या मिला है। चलिए मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। आधी रात का समय था, एक बूढ़ा अपने कमरे में सो रहा था। किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा खटखटाया। बूढ़े की आंख खुल गई। उसने उठकर दरवाजा खोला। सामने खून से लथपथ एक व्यक्ति खड़ा था। बूढ़े ने ध्यान से देखा, उस व्यक्ति की नाक कटी हुई थी और उससे खून बह रहा था। बूढ़े ने उसे दिलासा दिया और अंदर आने के लिए कहा। बूढ़ा उसे लेकर बगल के कमरे में गया। उसने उस आदमी के चेहरे पर लगे खून को साफ करने के बाद उसे दवा मिक्स पानी से धोने को कहा। उसके बाद बूढ़े ने उस व्यक्ति को एक गिलास में भरकर शराब पीने को दी और वह सर्जरी करने की तैयारी करने लगा। बूढ़े ने एक पत्ते से उस व्यक्ति के घाव की नाप ली। फिर उसने दीवार पर टंगे तरह तरह के उपकरणों में से कुछ उपकरण उतारे और उन्हें आग पर गर्म करने लगा। बूढ़े ने अजनबी के गाल से मांस का एक टुकड़ा काटकर उसे दवाइयों से ट्रीट किया। उसने मांस के टुकड़े को नाक में रखकर उसे सही आकार दे दिया। उसने कटे हुए स्थान पर घुंघची और लाल चंदन का बुरादा छिड़ककर हल्दी का रस लगाया। बूढ़े ने नाक को तिल के तेल से भीगी हुई रुई से ढककर पट्टी करने के बाद घायल को नियमित रूप से खाए जाने वाले दवाइयों की लिस्ट दे दी और घर जाने को कहा। उस घायल की निस्वार्थ भाव से सेवा करने वाले बूढ़े को यह अनोखा ज्ञान आखिर कहां से मिला, चलिए जानते हैं। महर्षि सुश्रुत, जो कि एक एंशियंट इंडियन फिजिशियन है, महाभारत में इन्हें ऋषि विश्वामित्र के पुत्र के रूप में बताया गया था। सुश्रुत इंडियन मेडिकल साइंस के एक महान विद्वान और सर्जरी के संस्थापक हैं। ये लगभग 600 BCE के समय के थे। आज से लगभग 2600 साल पहले सुश्रुत ने अपने सहयोगियों के साथ कई तरह की सर्जरी, जैसे आर्टिफिशियल लिम्स, पथरी फ्रैक्चर और मोतियाबिंद, और खास करके प्लास्टिक सर्जरी जैसे कॉम्प्लेक्स सर्जरी में सफलता हासिल की थी। सक्सेसफुल सर्जरी के लिए सुश्रुत ने हैंड बैन और शराब जैसे नशीले पदार्थों का उपयोग किया था। महर्षि सुश्रुत संस्कृत भाषा में सुश्रुत संहिता के ऑथर हैं। इन्होंने बड़े एक्यूरेसी के साथ सभी सर्जिकल प्रोसीजर्स को डिस्क्राइब किया है। इस किताब में सुश्रुत ने भारत के एंशियंट मेडिकल साइंस के बारे में डिटेल में बताया है, जिसे आज के समय में आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। सुश्रुत ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने सर्जिकल ऑपरेशंस को क्लासिफाई किया और अपनी किताब में प्लास्टिक सर्जरी और उसके टूल्स को भी समझाया। उन्होंने सर्जरी के लिए लगभग 8 स्पेशल ऑपरेशंस को डिस्क्राइब किया, जैसे काटना, छेदना, खोलना, खरोचना, डालना और सिलना। सुश्रुत पूरी दुनिया में लीजेंड बन चुके थे और कई क्षेत्रों में प्रसिद्ध हो गए थे, जैसे कि आंखों की सर्जरी, अंगों को काटना और जोड़ना, और बच्चे के जन्म के बाद के कॉम्प्लिकेशंस को हैंडल करना। सुश्रुत ने सर्जरी के फील्ड में डॉक्टर और टीचर दोनों के रूप में काम किया है। इंडियन ट्रेडिशनल मेडिसिन के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा के लिए अनमोल रहेगा। सुश्रुत संहिता, जो कि संस्कृत में लिखी गई थी, सबसे पहले इसका ट्रांसलेशन अरबी में हुआ, फिर इसका ट्रांसलेशन लैटिन में और इंग्लिश में भी हुआ। सुश्रुत संहिता में 184 चैप्टर्स हैं, 1120 बीमारियों का एक्सप्लेनेशन है, 700 मेडिसिनल प्लांट और शारीरिक संरचना के बारे में डिटेल में बताया गया है। मिनरल सोर्सेज पर 64 रिसर्च और एनिमल सोर्सेज पर 57 रिसर्च भी अवेलेबल है। सभी आयुर्वेदिक सर्जनों के लिए सुश्रुत संहिता एक मेन रेफरेंस बुक है। सुश्रुत संहिता के दो भाग हैं, पहले को पूर्व तंत्र और दूसरे को उत्तर तंत्र के रूप में जाना जाता है। इन दोनों भागों में सभी विशेषताएं, जैसे कि बाल रोग, कान रोग, आंख, नाक, गला, जहर विज्ञान और मनोचिकित्सा सभी शामिल है। पूर्व तंत्र के 5 भाग हैं, जिनमें से एक अग्निवेश तंत्र है, जो कि चरक संहिता नाम से जाना जाता है, और निदान स्थान नाम का जो 5वां भाग है, वह मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एटियोलॉजी सीखने के काम आता है। इसलिए डॉक्टर्स के लिए सुश्रुत संहिता मेडिकल सीखने का एक एनसाइक्लोपीडिया है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भारत के ऋषि मुनियों के पास इतना ज्ञान, इतना पावर कहां से आया? तो इसका जवाब आपको हमारे एक वीडियो भारत के ऋषि मुनियों के पावर का सच में मिल जाएगा, और इसका लिंक भी आपको यहां पे आई बटन पे मिल जाएगा। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दें। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक ऐसे ऋषि के बारे में बताएंगे जिन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी के बारे में बताया था। कहीं आप न्यूटन के बारे में तो नहीं सोच रहे? नहीं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं।
जानने के लिए हमारे चैनल मॉडर्न बाबा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।